दोस्तों, आज के समय हर किसी के पास, खासकर स्टूडेंट्स के पास मोबाइल है, एंड्रॉइड फोन आप सभी के हाथ में है और आप सभी एप्स का इस्तेमाल तो करते ही होंगे। आप सभी के पास बहुत सारे ऐप होंगे, चाहे वो गेमिंग ऐप हो, चाहे वो म्यूजिकल ऐप्स हो, चाहे वो एजुकेशनल ऐप्स हो। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही एजुकेशनल ऐप्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिनमें आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है और आपकी तैयारी के लिए, चाहे आप जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपको मदद करते हैं। क्योंकि आप लोगों के बहुत ज्यादा सवाल आते हैं कि सर ऐप्स के बारे में बताइए, कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में बताइए जो हमारी प्रिपरेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हो, जिससे हर कोई इसको अफोर्ड कर पाए। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल एटीएन क्लासेस में, और मैं आपका मित्र उज्ज्वल उपाध्याय स्वागत करता हूँ आपका ऐप से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट फ्री स्टडी ऐप्स जो कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिनमें आपको वीडियो लेसन्स, फॉर्मूलेस, कॉन्सेप्ट्स, क्विज, टेस्टिंग, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने जिसको रखा है वह है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का दीक्षा ऐप। हाँ दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो मंत्रालय आपका शिक्षा विभाग है उसके अंडर ये ऐप आता है दीक्षा ऐप, जिसमें कि ये आपके क्लास 1-12 के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है। इसके माध्यम से आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, क्विजेस, क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट अपनी फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है, वो सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्ले स्टोर पे जाके दीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आप इसको करते हो तो आप क्लास 1-12 के लिए सारे रिसोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हो घर बैठे। दूसरे नंबर पर दोस्तों जिसको मैंने रखा है वह है पॉकेट फिजिक्स ऐप। बहुत सारे बच्चों के इंटरेस्ट होता है कि वो फिजिक्स में बहुत अच्छा करें, और हम सभी कहीं ना कहीं एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स की तरफ भागते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पॉकेट फिजिक्स जो ऐप है ये आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसके माध्यम से आप किसी भी चैप्टर को, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, 9th में हो, 10th में हो, यानी फिजिक्स का कोई भी टॉपिक हो, इसमें आप शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूलेस, टेस्टिंग, ये सारी चीजें आप कर सकते हो पॉकेट फिजिक्स ऐप से। अगली बात है दोस्तों, इंग्लिश में हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और इंग्लिश में आपको बार बार कहा जाता है कि अपने वोकैब स्ट्रॉन्ग करिए। वोकैब जितना आप स्ट्रॉन्ग करेंगे उतनी अच्छी आपकी स्पीकिंग होगी, उतना अच्छा आप फ्लुएंसी के साथ बोल पाएंगे इंग्लिश को। तो मैं आपको एक ऐसा ही ऐप के बारे में बता रहा हूँ जिसका नाम है वर्ल्ड अप ऐप। हाँ दोस्तों, वर्ल्ड अप ऐप के बारे में आपको बता दूं, ये बहुत ही अच्छा ऐप है अगर आपको अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है। दोस्तों इसका प्ले स्टोर बहुत ज्यादा डाउनलोड है, मैंने इसको जब एक्सेस किया, मैंने खुद इसको पर्सनली यूज किया, तो बहुत ही अच्छा ऐप है। इसमें आप अपनी क्विज कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को आप एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आता है आप उसको टाइप करें, उसके मीनिंग आपको मिलेगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपकी उस वर्ड की डिफिनीशन क्या उसकी डिफिनीशन है, और साथ ही साथ आपको म्यूजिकल वीडियोस, ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसमें उस वर्ड का यूज किया गया होगा, वहां से जाकर के भी आप सीख सकते हैं कि किस तरह से किस ऐप का यूज किया जा सकता है। अगले ऐप पे चलते हैं दोस्तों, इंग्लिश से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा ऐप है, मैं आपको बता दूं, बीबीसी लर्निंग। हाँ दोस्तों, बीबीसी लर्निंग एक बहुत ही अच्छा ऐप है जिसमें कि आप इंग्लिश को अपनी फिंगर टिप रख सकते हैं, मतलब इंग्लिश आप सीख सकते हैं, कैसे आप स्पीकिंग करेंगे, किस तरह से आप बोल सकते हैं सभी के बीच में। तो उसके लिए आप बीबीसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। इसके भी डाउनलोड 5 मिलियन से ज्यादा प्ले स्टोर पे आ चुके हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेसन फॉर द डे, आपको टॉपिक वाइज कहीं ना कहीं चीजें बताई जाती हैं, और इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको सिखाया जाता है। इस वजह से ये ऐप आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगले ऐप की बात करते हैं दोस्तों, मैथमेटिक्स में हम सभी का इंटरेस्ट होता है, तो मैं आपको एक बहुत अच्छे ऐप के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आप जानते हो कि मैथमेटिक्स में हमें क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर आप एक ऐप जान लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट मैथ सॉल्वर। इस ऐप के माध्यम से दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके, किसी भी क्वेश्चन को टाइप करके, किसी भी ग्राफ को ड्रा करके, यहाँ पर आप उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इस ऐप की एक खास बता दूं, इसमें ऐड नहीं है, ये ऐड फ्री ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट मैथ सॉल्वर, बहुत ही अच्छी ऐप है। इस ऐप को आप डाउनलोड करने के बाद इसमें आप किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन ले सकते हैं, चाहे वो आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, यहाँ पर आप किसी भी क्वेश्चन को टाइप करना चाहे, किसी ग्राफ को बना के सॉल्यूशन लेना चाहे, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट मैथ सॉल्वर ऐप पे। दोस्तों जब भी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स खासकर पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको यहाँ एक ऐप के बारे में बता दूं जिसका नाम ही है फॉर्मूलिया ऐप। हाँ दोस्तों, इसका ये फॉर्मूले वर्ड से ही बना हुआ है। तो फॉर्मूलिया ऐप, ये जो ऐप है, इसमें आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के फॉर्मूलेस आपको मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको बेसिक यूनिट्स,
जैसे करंट की क्या यूनिट है, एम्पियर, ये सारी चीजें आपको दी होती हैं, कन्वर्जेंस आपको दिए होते हैं। यहाँ पर आप किसी भी यूनिट को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन के लिए आपको प्रोसेस बताया गया है। तो इस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है, बहुत ही अच्छी ऐप है अगर आप अपने फॉर्मूलेस पे कमांड रखना चाहते हैं, क्योंकि फॉर्मूलेस पे कमांड रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हीं के एप्लीकेशन से आप सारी चीजों को सॉल्व कर पाते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऐप है। अगले ऐप की बात करते हैं दोस्तों, और ये बहुत ही पॉपुलर ऐप है, इस ऐप के बारे में जरूर आपने सुना होगा, खान एकेडमी। दोस्तों इसको मैंने जब सर्च किया तो इस ऐप के 10 मिलियन प्लस डाउनलोड मिले, और ये बहुत ही पुराना ऐप है, कहने का मतलब ये बहुत दिनों से अपनी एक्सेलेंसी के लिए जाना जाता है, क्लास 6 टू क्लास 12 के लिए। इसमें आप मैथ्स, आर्ट्स, टीचिंग, किसी भी जॉब की आप तैयारी करते हो, बेसिक आप तैयारी कर रहे हैं 6 टू 12 के लिए, सारी चीजें इसमें अवेलेबल है, रिसोर्सेज हैं, क्विज आप दे सकते हैं, प्रिपरेशन को अपनी चेक कर सकते हैं। तो खान एकेडमी एक बहुत ही अच्छा ऐप है, इस ऐप को भी आप डाउनलोड करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगले ऐप की बात करते हैं, वह है दोस्तों मीनो ऐप। आपको पता है कि आज के समय कंप्यूटर हर कोई यूज करता है, कंप्यूटर से हर कोई जुड़ा हुआ है, और कंप्यूटर लैंग्वेजेस को जानना उसी तरह से जरूरी है जिस प्रकार से मैथमेटिक्स में फॉर्मूलेस को जानना। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर लैंग्वेज एकदम नहीं आती है, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, C++, ये सारी लैंग्वेज आपको सीखनी है, तो आप मीनो ऐप को डाउनलोड करके इन लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए, बहुत ही बेसिक लेवल से उठा करके ये चीजें आपको सिखाते हैं। तो मैं चाहूंगा इस ऐप को भी आप डाउनलोड करें और ज्यादा इस ऐप का यूज करें। अगले ऐप की बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कहीं ना कहीं हम सभी को एक साथी की जरूरत पड़ती है, किताबें ही हमारी साथी होती हैं। इस ऐप का नाम ही है क्लास साथी। हाँ दोस्तों, एक नया ऐप है ये, क्लास 6 टू लेकर के क्लास 10th के लिए। यहाँ पर आप मैथ साइंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको टेस्टिंग बहुत ज्यादा दी जाती है, तो आप मॉक टेस्ट के माध्यम से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और इस ऐप के बेनिफिट्स को एंजॉय करिए। अगले ऐप की बात करते हैं दोस्तों, वो कि आपका है कहूट ऐप। इसमें देखिए होता क्या है कि हम सभी को कहीं ना कहीं गेम्स खेलना बहुत पसंद है, तो इसको बच्चे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप गेम्स के फॉर्म में आप क्विज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आप जितना ज्यादा हो सके इसको यूज करिए। बहुत ही अच्छा ऐप है, इसमें आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, ऑनलाइन प्ले कर सकते हैं, क्विज है, स्टडी है, ये सारी चीजें अगर आप खेल के थक गए हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं, तो इस ऐप को आप डाउनलोड करिए। ये कुछ इंटरेस्टिंग ऐप्स है दोस्तों जो आपके सेलफोन में होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है आज का समय टेक्नोलॉजी का है और हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। अगर आप इन तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा लाभ उठाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सा ऐप आपके मोबाइल में ऑलरेडी है, कौन सा ऐप आप डाउनलोड करना चाहोगे, हमें कमेंट सेक्शन जरूर मेंशन करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड अ वंडरफुल डे है।